देश की सुरक्षा लई कोई भी कुरबानी करन नूं तैयार रहण वाला हा पंजाब अज भी असी उस धरती का उस पत्तन का पानी पीने उस धरती का अन्न खाने जिन्हां ने गदरी बाबा तो लैके शहीद आजम भगत सिंह लाला लाजपत राय मदन लाल टींगरा जी करतार सिंह सराबा शहीद ऊधम सिंह जी हजारा योधे पैदा किए आज़ादी लैन लई ते हुण आज़ादी नूं बचाउण लई भी साडे पिंडां दे विच तुहानूं कोई इहो जिहा पिंड नहीं मिलेगा जिथों का कोई जवान जिहड़ा कोई कारगिल कोई पुंछ कोई गंगानगर कोई जस किसी ना किसी बॉर्डर ते शहीद ना होया होवे। सो दुश्मन दी एक्टिविटियां जारी रहिंदियां ने हुण उह एक्टिविटियां बदन दे चांस ज़्यादा इस करके ने क्योंकि उत्थे पोलीटिकल डिस्टरबेंस हो गई जी उत्थे गवर्नमेंटां टुटदियां टहिंदियां रहिंदियां ने उत्थे कदे डेमोक्रेसी आई नहीं तां ध्यान भटकाउण लई जिहड़ी उत्थों दी जिहड़ी फोर्सेस ने जां उत्थों दी जिहड़ियां एजेंसियां ने उह इधर उधर इंडिया वाले पासे कुछ करदियां रहिंदियां ने। सो अज बड़ी वधिया मीटिंग हुई सारिया सेंट्रल एजेंसीज दे हैड्स नाल और नाल प्रशासन भी नाल चलो पंच सरपंच भी आ गए पब्लिक तो सब तो जरूरी है। सो मैं यही कहना कि पंजाब सरकार वालों कदे भी कोई फंड्स दे विच पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड करन टेक्नोलॉजी वाइज कदे कोई कमी नहीं आऊगी। उन्होंने अपने ड्रोन अपग्रेड कर ले पर सानू उस उन्होंने ड्रोनों नूं लोकेट करन वाली जिहड़ी टेक्नोलॉजी उहदी जरूरत है उहदे वास्ते भी मैं एच एम साहब नूं मिलूंगा मैं 12 तरीक नूं होम मिनिस्टर साहब नूं मैं मैनूं राजपाल साहब ने हौसला दिता है कि तुसीं उत्थे जो रखोगे मैं उहदी पूर्णता करूँगा और जमीन जिहड़ी है तार दे परले पासे बड़ी दिक्कत है उहदे किसानां नूं 9 to 5 है फिर फ्रिस्किंग टाइम लग जाता है कई बार टेंशन बढ़ जाती है तो काम भी नहीं कर सकते एक या दो बंदे ही जा सकते हैं लेबर की कमी रहती है बड़ियां फसलां नहीं बीज सकते बहुत सारी दिक्कतां ने किसानां दे नाल और उन्होंने यूनियनस नाल गलबात करके इहदा कोई पक्का हल कढ़िया जाऊगा ताकि इस नाले मिलटरी नूं भी बहुत ईजी हो जाऊगा क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर टाइम अपने सिटीजन की फिस्किंग लिए निकल जाता। सो जे कोई इस तरह का हल हो जाए कि उन्होंने बहुत बड़े कंपनसेशन नहीं हाँ हाँ ये बारे असं विचार कर रहे हैं मैं लैट मी फिनिश मैं आप सवाल से। सो कंपनसेशन इन्ने हाई होन कि उन्होंने पुराने घाटे पूरे पूरे हो जाए क्योंकि पहला 5000 कहते फिर 10000 करता से मिले कदे नहीं है मैं पार्लीमेंट मुद्दा उठाया सी ठीक है ना। सो बॉर्डर दे विच इंडस्ट्री आ जाए तो साढ़े बॉर्डर का यूथ नूं काम मिल जूगा बॉर्डर के यूथ नूं मिलट्री जाने लिए इनकरेज करिए सैनिक स्कूल ट्रेनिंग स्कूल और जिस तरह राजपाल साहब ने कहा। सो मैं इस गल की बहुत खुशी है अजे महीना सानू एक होया नहीं है कि राजपाल साहब नाल जदों भी मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है क्योंकि खुद यह इन्हों का एक्सपीरियंस है एम पी रहे ने और डिफेंस कंसल्टिव कमेटी के मैंबर रहे ने उस वे जिस वे अब्दुल कलाम जी हो रही उन्होंने जिहड़ियां सिटिंग्स चलदियां हुंदियां सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दियां डिफेंस नाल रिलेटेड कोई जिहड़े बनाउणे सी वैपन। सो पंजाब सरकार वल्लों 100% जिहड़ा वो सहायता मिलेगी कोई इहदे च भेदभाव नहीं होगा और प्रशासन वल्लों जो चाहिए वह भी पुलिस वल्लों चाहिए डी जी पी साहब बैठे ने वह भी मिल के चलांगे सारे क्योंकि देश रहेगा तो सारे रहांगे नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और मैं यही बेनती करूँगा जिहड़े नफरत फैलाउंदे ने उन्होंने यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए कौम को कबीलों में मत बांटिए एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए सारा मुल्क साडा एक है तो वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ किसी पक्षों परमात्मा ने कोई
कमी नहीं रखी ना मौसम पक्षों ना धरती पक्षों ना लोगों की मेहनत पक्षों। सो असी कट्ठे चलीए तो बड़ी जल्दी जिहड़ा साडा देश जिहड़ा वो वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर के आऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ